हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने ये रिमोट करो रिमोट करोड़ रिमोट हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन की। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, और उसके बाद आप ये करके आइए। फिर हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग करना इस एयरप्लेन की, तो जाइए। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने ये रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन की। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इसके बॉक्स पे क्या है, फिर हम इसको खोल के यूज करके देखेंगे कैसे परफॉर्म करता है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, तो ये है ट्रांसपेरेंट शीट जिसके अंदर से आप देख सकते हो एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा दिखाई देता है। और यहाँ पे है इसका रिमोट कंट्रोल, आगे लिखा हुआ है सिंपल एयरप्लेन रेडियो कंट्रोल एंड द प्रोडक्ट कंटेंस बस ब्ला ब्ला ब्ला। नीचे की बात करें तो फ्रेंड्स, इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है, नीचे है इसके यहाँ पर टर्निंग व्हील, जो जिस डायरेक्शन में हम इसको छोड़ना चाहते हैं नीचे वॉक करेगा। ये उड़ने वाला नहीं है एयरप्लेन, ये सिर्फ नॉर्मल जैसे एक कार वॉक करती है रिमोट कंट्रोल, ये वैसे ही वॉक करेगा। तो इसके अंदर आगे टर्निंग व्हील है, यहाँ पे इसकी लगती है बैटरीज, और यहाँ पे है पावर सप्लाई का ऑन ऑफ बटन। ये रहा रिमोट कंट्रोल, आगे पीछे होता है ये, एंड इसके अंदर लगती है ये 9 वोल्ट वाली 1.5 वोल्ट वाले दो बैटरीज जो कि डबल ए बैटरीज है। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, हम इसको खोलते हैं। यहाँ से हमने खोल लिया इसे, टेप हटा ली, इसको हम निकालते हैं बाहर। इस पे एज 6+ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये 6 साल से बड़े बच्चों के लिए है। अब इसके बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं मिलता, अब हम रखते हैं बॉक्स को साइड में। ये रहा दोस्तों हमारा एयरप्लेन, जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा प्लेन, ये रहा इसका रिमोट कंट्रोल। अब हम निकालते हैं इसको बाहर, ये ऐसे ही नॉर्मली बाहर निकल जाता है। इसका एंटीना ये रहा और इसका एंटीना ये रहा जो कि इसमें अटका हुआ था, हम इसको भी रख देते हैं साइड में। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये रहा एयरप्लेन, इसके अंदर ये रहा टर्निंग व्हील इसका जो कि ऐसे ऐसे घूमेगा, और ये है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, ये रहे इसके व्हील जो मोटर से कनेक्ट होंगे, ये रहा ऑन ऑफ का स्विच। फ्रेंड्स, अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ इस एयरप्लेन की, तो इस एयरप्लेन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मींस ठीक ठीक है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। जिस प्राइस में हमारे को ये अवेलेबल है उस प्राइस के हिसाब से देखें तो इसकी क्वालिटी उतनी उससे मींस कंपेरेबल है, ठीक ठाक लगती है। क्योंकि इसमें फिनिशिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे फिनिशिंग पीलापन है हल्का सा प्लास्टिक के अंदर। ऊपर से तो सब कुछ मींस सफ़ेद सफ़ेद है, लेकिन नीचे से मैं देख सकता हूँ कई जगह से पीला पीलापन प्लास्टिक के अंदर आ रहा है। एंड इसके एयरप्लेन्स की बात करें तो ये कुछ प्रिंटेड नहीं है, मींस ये जो लगाया हुआ है ये स्टिकर, प्रिंटेड स्टिकर ही लगे हुए हैं इस एयरप्लेन पे। तो बिना किसी देरी के हम इसमें लगाते हैं सेल। तो इसके अंदर लगेंगे 2 1.5 वोल्ट की बैटरीज, एंड यहाँ से हम खोलते हैं इसको, हम जल्दी से लगाते हैं 1.5 वोल्ट की बैटरीज डबल ए बैटरीज, और इसको कर देते हैं बंद जिससे जब चले तो इसकी सेल ना निकल जाए। ये हमने लगा दिया है फ्रेंड्स, अब हम लगाते हैं जल्दी से दो बैटरीज इसके अंदर। इसके रिमोट कंट्रोल की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसका रिमोट कंट्रोल ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन बैक साइड से ये उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, बहुत मींस अनफिनिश्ड डाई से इसका ये वाला प्रोडक्ट निकला हुआ है ऐसा लगता है। तो हम लगा देते हैं इसकी बैटरीज को भी, और ये कर देते हैं इसका कवर बंद। कवर बंद होने में भी प्रॉब्लम ले रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो सही से बंद हो ही नहीं रहा, कोई इसमें एलईडी इंडिकेशन नहीं है, इसमें एक एलईडी लगी हुई है जो कि यहाँ पे है। अब हम बिना किसी देरी के इसको करते हैं ऑन। ये हमने ऑन करा तो इसका ये है कि इसमें एक एलईडी जलती है, इससे पता लग जाता है कि हाँ ये प्लेन चालू है। अब हम इसका ये एक बटन दबाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये है फ्रेंड्स इसका बैकवर्ड बटन, और ये है इसका फॉरवर्ड बटन। ये पता नहीं फ्रेंड्स इतना अटक अटक के क्यों चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर शायद कुछ प्रॉब्लम थी, अभी ये दोबारा अटक अटक के चल रहा है, अभी ये रुकी गया। ये बैकवर्ड मोशन तो अच्छी तरह ले रहा है, लेकिन फॉरवर्ड मोशन सही से नहीं ले रहा। चलो 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 चलो, चलो।
तो फ्रेंड्स, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इस क्वालिटी की, ये जो जिस प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है तो इतनी अच्छी नहीं है, ये मेरे को अच्छी नहीं लगी। और दूसरी बात, इसका जो फॉरवर्ड बैकवर्ड का फंक्शन है, फॉरवर्ड करते हैं तो सीधे चलता है, बैकवर्ड करते हैं तो ये पूरा मुड़ जाता है ऐसे। तो मेरे हिसाब से इसमें इतना कंट्रोल नहीं आ रहा है। ये रिमोट कंट्रोल भले ही प्रोवाइड करा गया है लेकिन इतना कंट्रोलेबल नहीं है ये एयरप्लेन, और इसका क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है प्रोडक्ट, तो इसको आप परचेज़ ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जेन्युइन प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हमारे फ्यूचर वीडियोज़ में आने वाले हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।